दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गए दोस्तों एक और गेटेड सोसाइटी में आपके लिए नॉर्थ फेसिंग कोठी लेके। आप देखिए इसके बारे एलिवेशन बहुत प्यारा, देखिए एलिवेशन है, टाइल वर्क बहुत प्यारी यूज़ करी गई है और आप देखिए ऊपर ग्लास का बहुत अच्छा यूज़ करा गया है। और ये 100 गज में बनी हुई कोठी है दोस्तों, बिल्कुल 200 फुट एयरपोर्ट रोड के पास। और यहाँ पे दोस्तों 200 फुट रोड बिल्कुल इससे पास से निकलती है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं दोस्तों, अंदर हमें ये मिल जाती है हमारी पार्किंग। तो आप देख रहे हो पूरे पार्किंग एरिया में ग्रेनाइट लगा हुआ है। इस पार्किंग एरिया का जो साइज रहने वाला है 12x10 का रहने वाला है। और यहाँ पे हमें एक मिल जाती है 2 व्हीलर पार्किंग, इसका जो साइज रहने वाला है 12x8 का। साथ में आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है, आप यहाँ पे अपना ग्रीन एरिया मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और ये देखिए ये वाला टाइल वर्क है, पूरे एलिवेशन में हो रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है, एक अच्छी लग्जरी लुक आ रही है। तो ये 3 BHK इंडिपेंडेंट कोठी है। तो स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती हैं, आप चाहें तो दोस्तों ऊपर का रेंट आउट कर सकते हैं। आपको आराम से रेंटल इनकम यहाँ पे 1 BHK की दोस्तों आराम से 12,000 के आसपास तो आ ही जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारी कोठी के अंदर। तो ये देखिए बहुत प्यारा एंट्रेंस आ जाता है हमारा डोर। और ये आगे हम अपनी कोठी के अंदर, पूरी कोठी में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और ये ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया का जो साइज है 18x12 का रहने वाला है। देखिए बहुत प्यारा वॉलपेपर, सारे घर में आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिल जाएगी। और इसकी देखिए एक बार डाउन सीलिंग, बहुत हैवी डाउन सीलिंग, फैंसी लाइट भी देखिए दोस्तों अच्छा यूज करा गया है। आप देखिए एक बार पूरा डाउन सीलिंग का व्यू। बात करूं दोस्तों इसमें हमें एक बहुत अच्छे साइज का यहाँ टीवी पैनल मिल जाएगा। फिनिशिंग का काम जोरों शोरों पे हो रहा है दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कर लें, चेक कर लें, आपके बजट की कोठी है रहने वाली है। तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमें एक बहुत बड़े साइज़ की मिल जाती है विंडो ग्लास के साथ, ताकि आपका घर हमेशा वेंटिलेटेड भी रहे। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया। तो चलते हैं हमारी किचन की तरफ, हमारी माताओं और बहनों का फेवरेट प्लेस। तो ये देखिए बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ दोस्तों इसको सेपरेशन दिया गया, बहुत अच्छे ये लग रहे हैं वुडन के डिज़ाइन। और जैसे हम किचन में आते हैं एल शेप में दोस्तों ये किचन मिलती है। अगर मैं इसके दोस्तों साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला वो है 10x8 का। ये स्पेस आ जाती है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये देखिए पूरी एल शेप में किचन, पूरा आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये आपकी दोस्तों सारी फिटिंग हिंदबेयर ब्रांड की रहने वाली है। रिवॉल्विंग मिक्सचर देखिए, नॉइज़ प्रूफ सिंक। और यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और यहीं से हमें पता चल जाएगा हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये देखिए किचन, मॉड्यूलर किचन, बहुत प्यारी डिज़ाइन करी हुई। बड़े बड़े कंपार्टमेंट है दोस्तों, डबल लैमिनेटेड है। ये आपको कॉर्नर ऊपर भी आपको देखिए यहाँ पे पूरी किचन मिल जाती है। यहाँ पे आपको चिमनी की प्रोविजनिंग मिल जाती है। तो ये डबल लैमिनेटेड है पूरी किचन। तो एक अच्छा दोस्तों 100 गज में प्राइस अच्छे में आपको ये मिल सकती है, आप एक बार ज़रूर इसको विज़िट कर लें। तो ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। अगेन बहुत अच्छी फ्लोरिंग दोस्तों, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा वॉलपेपर, जैसा घर देख रहे दोस्तों ऐसा ही आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके वार्डरोब की बात करूँ, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वार्डरोब। और ये देखिए इसमें आपको लॉकर भी मिल जाएगा। और ये आ गया ड्रेसिंग टेबल, इसके पीछे आपको स्टोरेज मिल जाएगी और इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। 3-3 कंपार्टमेंट आपको स्टोरेज के मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपका बिल्कुल अटैच आ जाता है वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है 6.6x5 का। तो आप देखिए आपकी वॉल हैंग सीट सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, रूफ हाइट तक आपकी टाइल्स लगी हुई हैं, सीलिंग पपड़ी का कोई इशू नहीं है। जितनी भी सारी फिटिंग है दोस्तों मिलने वाली है आपको हिंदवेयर ब्रांड की ही। तो अगर मैं वेंटिलेशन के लिए बात करूँ इस रूम से, आपको ये देखिए ये मिल जाएगी हमें विंडो, एक अच्छे साइज़ की विंडो वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए भी। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले कर लें। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड
बेडरूम में। और अगर मैं दोस्तों इस बेडरूम के साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला है 12x11 का। तो देखिए जो हमारा पहला बेडरूम था वो भी सेम साइज था 12x11, ये भी हमारा 12x11। देखिए बहुत प्यारा वॉलपेपर, डाउन सीलिंग देखिए बहुत ही प्यारी एलईडी लाइट्स के साथ आपको मिल जाती है। और अगेन सेम पैटर्न के दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाते हैं वार्डरोब। अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा, अगेन दोस्तों सेम आपको मैचिंग यहाँ पे मिल जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया। अगेन यहाँ पीछे स्टोरेज मिल जाएगी, नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, तीन तीन कंपार्टमेंट। ये आपकी वॉल आ गई दोस्तों टीवी पैनल के लिए, और इसके साथ भी हमारा अटैच आ जाता है वॉशरूम। और इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है 7x5 का। नीचे आपके एंटीस की टाइल्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल एंड सीट, आपका रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं। तो अटैच है दोस्तों, बहुत अच्छे बने हुए। एक बार आप भी अगर इंडिपेंडेंट घर का सपना देख रहे हैं, इसको एक बार ज़रूर विजिट कर लें। तो इस रूम से हमें एक्सेस मिल जाता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। तो ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड। अगर मैं इसके दोस्तों साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 6.6x5 का। तो यहाँ पे आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपका डक्ट एरिया आ जाता है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का व्यू। ये 3 BHK दोस्तों इंडिपेंडेंट कोठी है, 1 BHK आपको एक प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर पर मिलता है। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो स्टेयर्स हमें बाहर से मिलती हैं, तो इसका मतलब आप रेंट आउट इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्टेयर केस एरिया, स्टील रेलिंग के साथ है। और पूरे स्टेयर केस एरिया में आप देखोगे तो ग्रेनाइट लगा हुआ है, एक अच्छा लुक एंड फील आ रहा है। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे आते दोस्तों हमें फ्रंट पे मिल जाती है बालकनी, ये देखिए ग्लास के साथ और स्टील रेलिंग। और अगर मैं इस बालकनी की साइज़ की बात करूं, इसका जो साइज़ रहने वाला दोस्तों एक अच्छे साइज़ की आपको ये बालकनी मिलती है। तो इसका साइज़ रहने वाला 15x3 का। देखिए पूरे घर बने हुए हैं, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा दोस्तों मौका है, आप भी इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। आइए चलते हैं हमारे फिर रूम की तरफ। और इस रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है, पोर्च एरिया का पहले हम 200 डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा पोर्च एरिया 11x3 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ पे आप अपना इवनिंग टी इंजॉय कर सकते हैं आराम से दोस्तों, एक सिटिंग एरिया बन जाता है। और ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, 12x11 इसका साइज़ रहने वाला है। देखिए बहुत प्यारा वॉल पेपर, यहाँ पर अगेन आपको बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और इसकी देखिए आप दोस्तों डाउन सीलिंग, बहुत प्यारी अलग डिज़ाइन के साथ डाउन सीलिंग मिलती है। टीवी पैनल एक बहुत प्यारा आपको यहाँ मिल जाएगा। और इस रूम के साथ भी आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, इसका जो साइज़ रहने वाला है 6x5 का। तो देखिए आपकी वॉल एंड सीट, वैनिटी, सब कुछ दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है। रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला ब्रांडेड हिंदवेयर ब्रांड की तरफ से। यहाँ आ गया हमारा ड्रेसिंग एरिया। तो इस ड्रेसिंग एरिया की साइज़ की बात करूँ, 6x5 इसका साइज़ रहने वाला है। ये देखिए अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा। और ये आ गया हमारा ड्रेसिंग टेबल, आपका मिरर इंस्टॉल हो चुका है, नीचे भी आपको 3 स्टोरेज मिल जाती हैं। और बिल्कुल इसी के साथ हमारे आ जाएगी ये मॉड्यूलर किचन, ये आपकी स्पेस आ गई रेफ्रिजरेटर के लिए। और अगर मैं इस मॉड्यूलर किचन के दोस्तों साइज़ की बात करूं, 11x8 इसका साइज़ रहने वाला है। ऑलमोस्ट वही सिमेट्री दोस्तों, एल शेप में है, सारी फिटिंग आपकी ब्रांडेड, नॉइज प्रूफ सिंक, मॉड्यूलर किचन बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे आपको चिमनी की प्रोविजनिंग मिल जाती है, डबल लेमिनेटेड है, बड़े बड़े आपको कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो ये था हमारा दोस्तों 3 BHK प्रॉपर डबल किचन के साथ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक बहुत बड़ी ओपन रूफ। और यहीं पे हमारी स्टेयर केस आ जाती है, जहाँ पे आप दोस्तों अपनी सेकंड फ्लोर का एक्सेस ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं,
और ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 3 BHK इंडिपेंडेंट घर, बहुत प्राइम लोकेशन, बिल्कुल 200 फुट दोस्तों रोड इसके बैक साइड से निकलती है। लोकेशन जैसे मैंने आपको बता दी, सेक्टर 124 रहने वाला है। तो आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें, अपनी विजिट प्लान करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और दोस्तों हमारी मोटिवेशन भी बनी रहे। इसकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है और वहीं भी आपको सारी प्राइसिंग साइजिंग इसकी लोकेशन पर मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।